अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर सवाल है उनके बारे में जो पूरा बाजार ही चलाते हैं, बीएसई। नितिन तिवारी जी पूछ रहे हैं मुरादाबाद से कि 25 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 548 का भाव था, और अब ये पूछ रहे हैं, मतलब इनके दिमाग में है कि अगर सब कुछ ठीक इसमें चलना है तो क्या एवरेज किया जाए या अभी इन भावों के आसपास और 25 शेयर खरीद लें। लेकिन नज़रिया इनका ऐसा कोई बहुत लंबा नहीं है, 2-3 महीने का ही है। नहीं, पहली जगह ये पहली बात ये है, तिवारी जी बुरा मत मानिएगा, आपने ठीक जगह पर नहीं करा। स्टॉक खरीदने का है, रिजल्ट अच्छे हैं इनके, अच्छा इम्प्रूवमेंट दिया है, लेकिन इनका वैल्यूएशन अभी ठीक नॉर्मल से डबल है, वहीं पे जाके हाथ रुक जाता है। अदरवाइज ये स्टॉक अगर आप मुझे टेक्निकली पूछेंगे तो ये तो सीधा सीधा खरीद के 700 के ऊपर तक के लिए होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अब मैं अपनी थियरी से डिविएट नहीं करता, भले ही मेरा अपॉर्चुनिटी छूट जाए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उस मामले में जिद्दी हूँ, लेकिन सेफ्टी के मामले में जरूरी है, तो उस कारण से मैं नहीं कर पाता हूँ इसको। लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है कि इसका 715 वाला हाई टेस्ट है, रिजल्ट जी भी उसके लिए फेवरेबल है, लेकिन वैल्यूएशन फेवरेबल नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपने जो खरीदा है वो लेवल में क्यों कह रहा हूँ ठीक, क्योंकि देखें आपने 548 पे जाके खरीद लिया है और स्टॉक का क्लोज है जस्ट वही लेवल है, 546.45 का क्लोज है, ठीक। और आपने मुझे लगता है रिजल्ट के पहले जाके खरीदा हो, तो अब यहाँ पे 200 डीएमए को जस्ट जाके हिट कर रहा है स्टॉक, और वो स्टॉक चल के आ रहा है 400 से, चला आया है 560 बेस पे, समझा रहा हूँ। ये चीजें आपको हमारा मतलब ही है आपसे मिलने का कि एजुकेशन, हम थोड़ी यहाँ पे आपको बैठे हैं कि ये खरीद के चले जाओ, ये लेके चले जाओ। इस लेवल पे आपको खरीदने का कैसे बनता है जब स्टॉक 400 बेस से चल के आ रहा है, 200 डीएमए हिट कर रहा है, इस चीज को थ्योरी में आपको नहीं लगाइएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गलत जगह पे आपने खरीदा है। अब आपने मान लो खरीद भी लिया है तो इसमें ऊपर चलना चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है, ये हो सकता है कि इसका जो लो है 520 के आसपास वाला, उसको एक बार टेस्ट करेगा और फिर हायर लो लेके चलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी और कोई खराबी नहीं है स्टॉक में, स्टॉप लॉस कहाँ रखें, तो टेक्निकली इसका स्टॉप लॉस वो 507 के नीचे का ही बनता है, उनको उससे पहले तो कोई नहीं बनता है, क्योंकि हायर लो का पैटर्न तब तक टूटता नहीं है, और इससे ज्यादा तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। पॉजिटिव व्यू है जब तक रिजल्ट अगले क्वार्टर में, अब देखिए अभी मार्केट चलना शुरू हुआ है, स्मॉल कैप मिड कैप भी चलने शुरू हुए हैं, तो कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज का टाइम आ रहा है। अब उसमें बीएसई है, बीएसई लिमिटेड है कि सीडीएसएल है कि आईसीसी सिक्योरिटी है, जियोजी तक पता नहीं, रैली वगैरह कितने हैं दुनिया भर में, किसका टाइम आएगा, जो अच्छा करेगा उसका टाइम आएगा। जी सुमेश, एक ही चीज़ आपसे पूछूंगा इसमें कि 400 के आसपास से बढ़कर के 550 पर हो गया, 150 रुपये की चाल बन गई इसमें, और अभी यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे छू रहा है, तो कितनी संभावना ये रहेगी कि अभी, मतलब 700 तो आएगा, बाद में आएगा जब आएगा, अभी फिलहाल ये 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस पर अटक करके कुछ समय फिर यहाँ से और गुजारे, फिर हो सकता है कि 2-3 महीने अगले नतीजों के इंतजार तक वो अभी 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से पार ना कर पाए। नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, कारण समझाता हूँ। पहली चीज स्टॉक में हीट है, दूसरी चीज मार्केट में हीट है, तो अगर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन होगा तो जितना इसमें प्रॉफिट बना है लोग प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, और इसलिए प्रेशर तुरंत आ जाएगा, और इसलिए इसमें करेक्शन कूल ऑफ मुझे ज्यादा संभावना लगती है इन प्लेस की, इसमें राइज होता है, लेकिन इतना समय से स्टॉक गिरा हुआ है कि आपका करेक्शन कूल ऑफ बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि करेक्शन 500 के नीचे, 500 510 के रेंज तक का करेक्शन मतलब काफी है, अनलेस मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो जाए, उससे ज्यादा नहीं है, और वहां इसलिए भी कह रहा हूँ कि फिर वो हायर लो वाला स्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो आप पूछेंगे क्या उसके बाद स्टॉक नेगेटिव, तो नहीं, अभी हम पहले एनालिसिस वहां पे छोड़ देंगे, वो है हायर लो के एनालिसिस, फिर उसके बाद दूसरी एनालिसिस उसमें लगाएंगे रिट्रेसमेंट वाली और बाकी अदर पैरामीटर्स, लेकिन होप नहीं छोड़ेंगे अभी, क्योंकि स्टॉक तो अभी चलना शुरू ही हुआ है, शायद ये बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी। जी, तो गिरावटों पर खरीदारी के मौके इसमें आगे बनते रहेंगे, उसके हिसाब से आप देखते रहिए शेयर को, और फिर बीच में जब भी आपको सही मौका लगे तो आप वापस पूछिए। अभी फिलहाल जो आपने खरीदारी कर ली 548 पर, वो थोड़ी गलत हो गई है, मतलब ज़्यादा ऊंचे भाव पर हो गई है,
लेकिन और साथ में वो भी इसलिए कि आपका सिर्फ 2-3 महीने का नजरिया है। स्टॉप लॉस सुमेश जी ने बताया है कि किन स्तरों पर लगाना चाहिए, बाकी निर्णय आपको खुद करना है कि आपको कहाँ पे लगाना है, लेकिन अपनी ओर से जो उन्हें एक उचित स्तर दिखता है कि भाई इसके नीचे जाने पर खतरा बढ़ेगा, वो स्तर उन्होंने बता दिया है आपके सामने। आगे आप देखें, खुद भी निश्चय करें। लेकिन कुल मिला करके यदि आप अपना टाइम होराइजन लंबा कर दें, जो 2-3 महीने आप सोच रहे हैं उसको 2-3 साल कर दें, तो शायद आपके लिए मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा।